एक महत्वपूर्ण समाचार। विधानसभा चूंटणी पहला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मिशन गुजरात पर आवशे। पीएम मोदी त्रण दिवस गुजरात प्रवास से आवाना छे। पीएम मोदी एरपोर्ट थी इंदिरा ब्रिज सुधी रोड शो करशे। पीएम ना रोड शो माटे तड़ामार तैयारी कराई रही छे। एरपोर्ट थी गांधीनगर मार्गो पर बेनर अने बेरिकेड्स लगावी देवामां आव्या छे। प्रधानमंत्री रोड शो ने लईने भव्यातिभव्य आयोजनों कराई रहा है। विधानसभा पहला त्रिदिवसीय प्रवास खूब ज महत्वपूर्ण मानवामां आवी रह्यो छे। विधानसभा की चूंटणी पहला दरेक राजकारणीओ ने हवे गुजरात याद आवी रह्यु छे। एक पछी एक तमाम राजकारणीओ हवे गुजरात की मुलाकाते आवी रह्या छे। त्यारे फरी एक वक्त विधानसभा की चूंटणी पहला मोदीमय गुजरात बने तेवा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी हवे शुरू कर्या छे। ज्यारे चूंटणी प्रचार छे ते पीएम मोदी द्वारा रोड शो कर्या बाद ज शुरुआत छे ते करी देवामां आवी हती। जे बाद फरी एक वक्त लांबा प्रवासे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी त्रण दिवस माटे गुजरात आवी रहा छे अने तेनी तैयारीओना भागरूपे अमदावाद एरपोर्ट थी लईने गांधीनगर सुधीनो आ तमाम जे रूट छे ते बेरिकेड्स लगावीने तमाम प्रकारनी जे तैयारीओ छे ते करी देवामां आवेली नजरे छे ते पड़ी रही छे। चाहे ए रोड शो होय तेवा प्रकारनी तमाम जे प्रशासनने तैयारीओ छे रोड शो नी जेम ज आ तमाम तैयारीओ करवामां आवी रही छे। महत्वनुं छे के भव्यथी भव्य अमदावाद एरपोर्ट उपर वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी नुं स्वागत करवामां आवतुं होय छे अने साथे ज वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ने जोवा माटे तमाम जे पब्लिक नो धसारो पण जे अहींया जोवा मळतो होय छे एटले तमाम पब्लिक नो धसारा ने पहोंची वळवा माटे पण अहींया तमाम प्रकारनी जे व्यवस्था छे ते करवामां आवी रही छे। तमाम तैयारीओ ने हवे अमदावाद एरपोर्ट थी लईने गांधीनगर ना तमाम जे रूट छे त्यां बेरिकेड्स लगावीने अने वेलकम जे छे तेना पण बोर्ड छे बेनर्स छे ते लगावी देवामां आव्या छे। महत्वनुं छे के वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी जामनगर दाहोद सहितना अलग अलग जे त्रण कार्यक्रमोमां हाजरी आपवाना छे अने साथे ज गांधीनगरमां पण आजे सांजे विशेष कार्यक्रमनुं जे आयोजन छे ते करवामां आव्युं छे। चूंटणी नजीक छे अने महत्वनो प्रवास वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीनो मानवामां आवी रह्यो छे अने साथे ज आजे सांजे रोड शो करे तेवा प्रकारनी तमाम सूचक तैयारीओ छे ते प्रशासन द्वारा करवामां आवी रही छे। કેમેરામેન નરેશ સોલંકી સાથે દિવ્ય ચૌહાણ, બીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ।